आप समझेंगे। आज हम इस वीडियो में फर्स्ट सेमेस्टर के BCS 011 के बारे में बात करने वाले हैं, जो हमारा खुद का नाम है कंप्यूटर बेसिक है PC सॉफ्टवेयर। आज उसका हम मैंने क्वेश्चन गेस करा है, गेस क्वेश्चन से थ्री गेस क्वेश्चन होंगे और उनको आप तो देखो और सॉल्व करने की कोशिश करो। ये सिर्फ उन बच्चों के लिए है जिन्होंने अपना सिलेबस कम्प्लीट कर चुका है और बस उनको वो प्रैक्टिस करने की जरूरत है, उन बच्चों के लिए है ये गेस पेपर का क्वेश्चन। और बाकी जो जिन्होंने नहीं करा है, जिन्होंने सिलेबस नहीं कम्प्लीट करा है, जो हमारे वर्किंग स्टूडेंट हैं, उनके लिए मैं सजेस्ट करूँगी कि मैंने ये भी सॉल्व करें वो और उनको याद करने की कोशिश करें। और मैंने कुछ और भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन टाइप किए हैं जो मैं डाला, मैं डिस्क्रिप्शन या आइकन में शो कर दूँगी, वो भी आप लोग जाके उनको भी पढ़ो ताकि आप लोग को एग्जाम देने में आसानी हो। और इसमें मार्क्स बहुत ज़्यादा कट ऑफ होते हैं, तो इस बात का ध्यान रखते हुए आप लोग अपने PC सॉफ्टवेयर हमारा ऑनर्स पेपर है तो इस पे ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। PCA में कंप्यूटर एक ऑनर्स पेपर होता है, ऑनर्स पेपर की तौर पे होता है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं ये वीडियो। यहाँ मैंने गेस्ट पेपर लिया है वन, जिसमें मैंने कन्वर्जन के बारे में बताया है कि कैसे डेसिमल और बाइनरी और हेक्साडेसिमल के बीच कन्वर्जन करना है। ये डेसिमल नंबर में प्रेजेंट है और इसको कन्वर्ट करना है बाइनरी और हेक्साडेसिमल नंबर। इसमें आप लोगों को बताना है कि स्टोरेज कैपेसिटी कितनी होती है और इसका वैल्यू दिया हुआ है, उसको बताना है, ठीक है। थ्री नंबर में है कि आर्किटेक्चर के बारे में, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसके पिक्चर्स भी बनाने की कोशिश करना। मैंने इन सब का सोल्यूशन भी मैंने टेलीग्राम पर दे रखा है एक पिक्चर के तौर पर, तो वो भी जाकर देख लेना। बहुत सारे क्वेश्चन सोल्यूशन कर रहे हैं एंड इसमें डिफरेंस बताना है, इसका फ्लो चार्ट ड्रो करना है। Thank you.
अच्छी लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक और शेयर करना और चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करना। जितने ज्यादा शेयर करोगे उतने आपके स्टूडेंट या आपके फ्रेंड के लिए बहुत अच्छा होगा, वो खुद सीख पाएंगे। मैंने यहाँ फोर गेस्ट पेपर स्टार्ट करा है, फोर गेस्ट पेपर, और इतना इतना सब कुछ अगर आप कर लेते हो my channel।